हिजाब विवाद पर पूछे गए सवाल पर दिए जवाब में अमित शाह ने ड्रेस कोड अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने ये बात इस चुनाव के अपने पहले इंटरव्यू में एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ बातचीत में कही, जिसमें उन्होंने सभी धर्म के लोगों से स्कूल यूनिफॉर्म अपनाने की अपील की। हालांकि अमित शाह ने यह भी कहा कि हिजाब विवाद का मामला अदालत में है और सभी को फैसले का इंतजार करना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि मुसलमान औरतों लड़कियों के लिए ये हिजाब का मुद्दा जायज मुद्दा है? मेरा व्यक्तिगत मानना है जी कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए और मामला अब कोर्ट में है। कोर्ट ने अभी स्टे दिया है, कोर्ट सुनवाई कर रही है, अदालत का जो फैसला है उसे मानना चाहिए। वहीं अमित शाह के ड्रेस कोड वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने सवाल उठा दिए। हिजाब जो है ना इस्लाम में एक जरूरी चीज है। आप किसी के मजहब के अंदर इंटरफेरेंस करना, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुए हिजाब विवाद पर दो हफ्ते से माहौल गर्म है, जबकि इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है।